हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम संजू पर। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटर का, ठीक है। तो आउटर कैसे बनाते हैं ये आज हम जानेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मॉडल है, इसका आउटर बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसमें पॉकेटें बनी हुई हैं इसको हम प्लेन लगा के बंद करेंगे। अगर हम प्लेन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम प्रोग्राम अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जाएगा वो। तो इसको बंद करना सबसे पहले हमारी हमें ज़रूरी है। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन लगा देंगे। तो बंद करने का तो कई तरीके से बंद हो सकता है। एक तो हम बाउंड्री बनाएंगे और ये पूरा बाहर वाला आउटर का हम बाउंड्री लेंगे और सीधा उसमें प्लेन लगा देंगे, या छोटे वाले ये पॉकेटों का भी ले सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि बाहर वाले को ही मिले बाउंड्री बना के। और एक तरीका सीधा सीधा ये है कि अगर हमें राइट एंगल ये है तो सीधा सीधा हम मॉडल में जाएंगे, क्रिएट प्लेन में जाएंगे, फ्रॉम ब्लॉक में जाएंगे, जीरो करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये जो है हमारा लग गया है प्लेन, ठीक है। तो प्लेन लग गया है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये प्रोग्राम बनाने के लिए ब्लॉक खोलेंगे। अब हम जॉब की अपनी देख लेंगे हाइट कितनी है। हाइट अब जैसे इसमें 30 डाला हुआ है तो हम क्या करेंगे, जेड को लॉक कर देंगे। हम हाइट देख के अपना हाइट डाल लेंगे और लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, जैसे हमें 20 के एंड से प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो 11 mm बढ़ा लेंगे, 11 mm एक्सपेंशन में इसको कैलकुलेट कर देंगे। मतलब हाफ से एक आध 2 mm 3 mm बड़ा होना चाहिए। तो हमने 11 mm ले लिया इसको, ठीक है, एक्सेप्ट कर देते हैं अभी। अब देखेंगे कि आपके एक्स में वाई में ये बढ़ चुका है, जेड में हमने लॉक कर दिया था, जेड में नहीं बढ़ा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कटर ले लेते हैं एक, हमने ये लिया है 20 का एंड, 20 का एंड 0.8 का रेडियस होता है, 20 का एंड में 20 का एंड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने स्ट्रेटजी में जाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट का फॉर्म लेंगे और क्या करेंगे, इसका एंड हमने बढ़ा दिया, टोलरेंस 0.1 रहेगा, 0.01 सॉरी। और फिर सेंड लिंक में जाएंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टेप डाउन रहेगा, स्किन स्किन रहेगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी 20 का एंड आउटर ठीक है, ये हमने लिख दिया 20 का एंड आउटर, ये हमने कर दे दिया है। अब इसको हम अप्लाई कर देंगे। ये हमारा आउटर जो है बन गया, ठीक है। तो ये हमारा आउटर बन के रेडी हो गया। अगर हमारे जैसे जो मॉडल है, अगर कोने कोने पे जैसे कि रेडियस हो, मतलब शार्प कॉर्नर ना हो, रेडियस हो, तो उसका हम कैसे प्लेन लगाएंगे, कैसे बाउंड वो बनाएंगे वो भी जान लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद हम एक, मेरे पास ये है जैसे कि ये है, अब ये देख रहे हैं कि आप कॉर्नर नहीं है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये एक कटा भी बताओ। इस इनका बाउंड्री बनाने के लिए हम कैसे ब्लॉक बनाएंगे, कैसे प्लेन लगाएंगे, तो चलिए ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम प्लेन लगाए कैसे लगाएंगे इसका वो बता देता हूँ मैं आपका। इसके नीचे की हम सर्फेस पकड़ेंगे और बाउंड्री बना लेंगे इसका, बाउंड्री बना लिया इसका, और बाउंड्री बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आउटर की बाउंड्री रख लेंगे, बाकी को डिलीट मार देंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, बाउंड्री पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, फ्लैटन कर देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, टॉप पे आ गया है। अब इसकी जब हम प्लेन लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो आप देखेंगे उसी प्रोफाइल में जो भी रेडियस लगा हुआ है, ये कटा हुआ है, इसी के अनुसार ये बंद हो गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये बंद हो गया, अब वैसे ही हम इसमें भी कर देंगे। जैसे हमें मान लो इसमें 50 रखना है, या ब्लॉक के अनुसार अपना हम देख लेंगे मोटाई, उसके बाद एक्सपेंशन में इसमें भी हम डाल देंगे 11 mm, ठीक है, अप्लाई कर देंगे। अब जैसे इसमें देखोगे बढ़ चुका है ये ब्लॉक, ठीक है, तो उसके बाद इसमें भी हम वही 20 का एंड ले लेंगे और 0.8 का रेडियस
और 20 का एंड हम लिख देंगे यहाँ पर और क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम वही स्ट्रेटजी में जाएंगे, फिनिशिंग वाले फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट का फॉर्म लेंगे और यहाँ पर कर देंगे हम 0.01 टॉलरेंस, यहाँ पर कर देंगे हम डेढ़ पॉइंट का, स्पायरल ऑन करेंगे और 20 का एंड आउटर लिख देंगे। लीड सेंडिंग में वही हमें स्टेप डाउन स्ट्रीम स्क्रीन रहेगा, ये ए नहीं रहेगा और इसको कर देंगे हम अप्लाई। तो ये दो तरीके मैंने बना दिए हैं, बता दिए हैं आपको आउटर के। तो इस तरीके से आप आउटर बना सकते हो इजीली। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का घंटा दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो ये हमारा बन गया आउटर। ठीक है, तो ऐसे हम आउटर बना सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया और दूसरा आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, दो तरीके मैंने बता दिए आपको आउटर के। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।